छेवीं क्लास के विद्यार्थी हो, हम आप क्लास छेवीं क्लास का अध्याय दो अभ्यास 2.2 का पंजवा सवाल शुरू करन जा रहे हैं। देखो ध्यान, कहता है ढुकवें गुणा की वरतों नाल गुणनफल पता करो, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। हूँ वह कहने का मतलब है कि 783 सीधा ही 103 गुणा नहीं करना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई गुण वरत के ही इसको हल किया जाए। जिवें पहला क्वेश्चन है 783 गुणा करना है आप 103 नाल, तो तुसी की करोगे 783 तो सेम रहन देना है, गुणा 103 तोड़ देना है 100 + 3। हुण देखो 100 + 3 कर लिया, हुण देखो बाहर है 783 एक रकम तो ब्रैकेट दे विच हो गया दो रकम। हुण ये 783 की करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जाके हर एक नंबर नाल मिलेगा, समझ लग रही गल, हर एक नंबर नाल मिलना है इस नंबर ने। 783 गया 100 दे कोल, इहदा मतलब 783 गुणा 100, ठीक है। उस तो बाद फिर प्लस का निशान है, प्लस लग गया, फिर 783 चला गया 3 दे कोल, फिर 783 गुणा 3, मेरी गल नूं समझ लगा, समझ रहे हो कि इस नंबर ने गुणा करना है हर एक नंबर नाल, पहला पहले नंबर नाल गुणा करनी है, फिर जो साइन प्लस का है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर इस रकम ने दूजे रकम नाल गुणा होना है। हुण सारे नूं पता है कि 783 100 नाल गुणा करन दा मतलब हुंदा है 783 तो बाद 2 जीरवां, है ना, लेकिन 783 3 नाल गुणा करना पएगा ना सानू, तो वह असी करके दिखा देंगे साइड पर। 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24, 4 + 2 7 × 3 = 21 ते 2 = 23, तो ये आ गया 2 × 3 = 4 = 9। आई गल समझ। हुण इन्हां दोनों नूं करना जोड़, जोड़ भी तुहानूं सारिआं नूं पता किद्दां करनी है, ध्यान नाल देखो 7 × 8 = 3 = 0 दे विच 2 × 3 = 4 = 9, 2 × 3 = 9 नूं जोड़ करना, 9 × 9 आ गया, 4 × 4 आ गया, 3 × 3 = 6, 8 × 2 = 10, 0 + 1 7 + 1 = 8, ते साडा आंसर आ गया बेटे जी 80649। इस साइड पर असी बेटा रफ वर्क कर रहे हैं, पर कॉपी दे विच ही करना है, जोड़ ते मल्टीप्लाई दिखानी है टीचर नू कि मैं अपने आप कीती सी। ते सवाल बहुत सौखे ढंग नाल असी खत्म किया, 103 100 + 3 लिख के 783 पहला 100 नाल गुणा किया, फिर प्लस 783 3 नाल गुणा किया, तो फिर इन्हां नू जोड़ लिया। इसे तरह असी दूजा क्वेश्चन करांगे, ध्यान नाल देखियो। हुण सैकेंड क्वेश्चन दे विच हैगा 854 × 102, तो हुण तो तुहानूं याद आ गया बिल्कुल ही, बिल्कुल सही मैनूं जो आंसर भी मिल गया। 854 × 102 = 100 + 2 लिखा जाएगा, फिर 854 जाएगा पहला 100 दे कोल, 854 × 100, फिर जमा दा निशान लगना है, फिर 854 जाएगा 2 दे कोल। 854 100 नाल मल्टीप्लाई करन दा मतलब है 854 तो बाद 2 जीरोआं लगा देना, लेकिन 854 2 नाल गुणा करके दिखानी पैनी है सानू, तो 854 असीं 2 नाल गुणा करांगे, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 0 + 1 8 × 2 = 16 ते 1 = 17, साढ़े कोल आ गया 1708, ठीक है जी बेटा। हुण आपां इन्हां नूं जोड़ करांगे, इन्हां विच 8 × 5 = 400 दे विच 1708 नूं जोड़िया जाएगा, 8 × 0 = 11 + 1 5 × 6 = 7 + 8, तो आंसर आ गया 87108 आंसर। इस तरह उम्मीद है तुहानूं समझ आ रहा है किस तरह असीं किहड़े ढुकवें गुण की वरत करके गुणनफल पता कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तीजे क्वेश्चन दे विच साडे कोल है 1008 बेटा, इहदा मतलब 258 नूं 1008 नाल गुणा करन लई असीं की करांगे, 258 × 1008 नूं असीं लिखांगे 1000 + 8, बिल्कुल ठीक। हुण 258 जाएगा पहला 1000 दे कोल, तो 258 × 1000 आ गया प्लस, फिर 258 जाएगा 8 दे कोल, तो 258 गुणा होएगा 8 दे नाल। 1000 नाल गुणा करन दी लोड़ नहीं होंदी, सानूं पता है कि उस नंबर दे अगे 3 जीरो लग जानी है, लेकिन 258 नूं सानूं 8 नाल गुणा करके दिखानी पएगी। 8 × 8 = 64, 4 + 6 = 8 × 5 = 40 ते 6 = 46, 6 + 4 = 4, 8 × 2 = 16 ते 4 = 20, ये आ गया साढ़े को 2064, ते हुण असीं इन्हां नूं जोड़ांगे, इहदा मतलब 258 000 दे विच 2064 4 6 0
0 पर 1 6 2 260064 साडा की आ गया है आंसर। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने। उम्मीद है तुम्हें समझ आ रहा है कि किस तरह से केड़ा टुकवा गुण वत रहे हैं, किस तरह से रकम नु तोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 736 गुणा 93। बेटा 93 आ गया, 93 होंदा है 100 दे लागे, है ना। तो असं इन लिख सकते 736 गुणा 100 माइनस 7, क्योंकि 93 जड़ा है वो 100 तो छोटा होंदा है। किन्ना छोटा होंदा है? 7। इस करके मैं घटाओ किता, ठीक है। हुण 736 जाएगा 100 दे कोल, तां 736 गुणा 100 बन गया। फिर घटाओ दा निशान, तां घटाओ दा निशान लगना है। फिर 736 किहदे नाल गुणा होएगा? 7 नाल। 100 नाल गुणा करन दी तां लोड़ ही नहीं हुंदी, सानूं पता है 2 जीरो लग जाएगी। लेकिन 736 नूं असीं 7 नाल गुणा करके दिखावांगे। 7 6 42 2 पर 4, 7 3 21 ते 4 25, 5 उपर 2, 7 7 49, 50 51। इहदा मतलब साडा आ गया 51 ते 52। हुण इन्हां दोनों नूं घटाओ करनी है बेटा, ध्यान रखो। हुण आपां घटाओ करके दिखावांगे। 7 3 6 0 0 दे विच्चों 51 52 नूं घटाओ करनी पएगी। 10 जीरो ने हासिल लिया ते घटाओ करनी है, ध्यान देखो। 0 ने हासिल लिया 10 बन गया, इत्थे आ गया 5, इत्थे 9 बन गया। 10 चों 2 गए 8, 9 चों 5 गए 4, 5 चों 1 गए 4, 3 चों 5 नहीं जाते, 3 ने हासिल ले लिया 13 बन गया, ते 7 दा बन गया 6। 13 चों 5 गए 8, 6 दा 6, ते 68448 साडा आंसर आ गया बेटा। उम्मीद है तुहानू चौथा क्वेश्चन भी समझ आ गया। हुण पंजवां क्वेश्चन देखो सारे। पंजवें क्वेश्चन दे विच बेटा रकम थोड़ी जी वड्डी है, 816 गुणा। हुण 745 तो किसी दे भी लागे शागे नहीं होंदा, फिर इहनू असीं की करांगे? रकम 3 रकम ही हैगी ना, 3 रकम आया तो फिर की करांगे? 7 नाल 700 जमा 4 नाल 40 जमा 5 नाल 5। आई गल समझ? इस तरह सानूं इसनूं तोड़ांगे। तो इधर रकम 3 हो गई हैं, इहदा मतलब 816 पहला किहदे कोल जाएगा? 816 जाएगा 700 नाल गुणा होण लई प्लस, फिर 816 जाएगा 40 नाल गुणा होण लई प्लस, फिर 816 जाएगा 5 नाल गुणा होण लई। लगी समझ? 3 वारी जाएगा ना, 1 2 3। हुण 816 नूं 700 नाल गुणा नहीं करनी, 7 नाल गुणा करनी है ना। तो 816 नूं असीं 7 नाल गुणा करांगे। 7 6 42 2 पर 4, 7 1 7 4 11 1 उपर 1, 8 7 56 ते 1 57, ते 700 ना गुणा करनी सी ते 2 जीरो लग जाएगी। आई गल समझ? किदा याद कराया तुहानू मैं कि 700 ना गुणा ना करो, 7 ना गुणा कर लो ते 2 जीरो लगा दिओ। 5 7 1 2 0 0। इसे तरह हुण 816 नूं 40 ना गुणा करनी है, ते असीं 816 नूं 40 नाल नहीं, 816 नूं 4 नाल गुणा करांगे। 6 चौका 24 4 उपर 2, 4 1 4, 5 6 8 चौका 32, ते 40 ना गुणा करनी सी ते 0 नाल लग जाएगा। ते आंसर आ गया 3 2 6 4 0। हुण 816 नूं असीं 5 नाल गुणा करांगे। 816 नूं असीं 5 नाल गुणा कीता, 6 5 30, 0 पर 3, 5 3 8, 8 5 40, 4 0 8 0। हुण असीं आ 3 नंबरां नूं जोड़ करांगे बेटा। 5 7 1 2 0 0, 32 640, 32 640, 5 अखर ने, 4 अखर आए गए, तो 4 0 लास्ट वाले पूरे करने होंगे ना आप जोड़ करने लई। 0 8 4 12 2 पर 1, 6 7 8 1 9, 4 3 7 10 उपर 1 6, तो साडा आंसर आ गया बेटा जी 607920। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ लगे कि 745 3 नंबर से, इस करके 7 नाल 700 4 नाल 40, 5 दा 5, पहले 700 ना गुणा होया, फिर 40 नाल, फिर 5 नाल, फिर 3 अखरों जोड़ किया। अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके ना होएगा। ये साडा बेटा रफ वर्क है, बट कापी दे विच लाइन पा के साइड ते करके दिखाना है आपां, ठीक है।
नेक्स्ट है 2032 मल्टीप्लाई 613। हुण इहनू किद्दां करिए देखो, 2032 मल्टीप्लाई 6 नाल 600, 1 नाल 10 ते 3 एक्सपैंड फॉर्म च करदे सी ना आपां, विस्तृत रूप दे विच ओही लिख रहे हां। हुण इहदा मतलब आ रकम पहलां 600 कोल जाएगी, 2032 मल्टीप्लाई 600, फिर आ रकम 10 कोल जाएगी 2032 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर रकम 3 कोल जाएगी 2032 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तुसीं सीधी मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो आंसर सेम आएगा। हुण सब तो पहला आपां इहनूं 600 नाल गुणा करनी है, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि 600 नाल गुणा करन दी लोड़ नहीं हुंदी, असीं 2032 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे। 6 दूनी 12 उपर 1, 6 ती 18 ते 19, 9 1 सेम ही आ गया 6 दूनी 12, ते आपां मल्टीप्लाई किना करनी सी 600 नाल, ते 2 जीरो असीं नाल लगा देंगे, साडा आंसर आ गया 1219200। हुण 10 नाल गुणा करन दी लोड़ ही नहीं, सीधा जीरो लग जाएगी। तो आप 2032 नूं 3 नाल गुणा करके दिखावांगे, 6906 ते आंसर आ गया 6096। हुण बस इन्हां तीन संख्यावां नूं जोड़ करांगे, 1219200 दे विच 20320 पांच अक्खर पूरे करते, 6096 चार अक्खर भी पूरे करते, जोड़ करते हैं 6921 उपर 1, 3 4 5 ते 6, 9 ते 6 15, 5 उपर 1, 2 3 4, 2 ते 1, ते साडा आंसर आ गया 1245616। ते इस तरह बेटा साडा एक क्वेश्चन जिहड़ा है, पंजवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होएगी, ते जेकर किसी ने मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब कर लियो,